नमस्ते स्टूडेंट्स, आई जगदीश प्रसाद सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर एस एन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़। इन लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। टुडे वी विल डिस्कस ए पॉइंट व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट टुवर्ड्स योर सीटेट और रीट एग्जामिनेशन। दिस टॉपिक इज ए मेजर पार्ट ऑफ योर बीएड सिलेबस और क्यूरिकुलम। Means in your teaching of English subject, this one is given as an important part or topic. Today's topic is skimming. What is skimming? The word's proper exact meaning is skimming means to take or to collect main points, main extract. यानी यहाँ ये मतलब है कि स्कीम का मतलब SKIM स्कीम का मतलब होता है कि मुख्य तथ्यों का संग्रह करना, मुख्य बिंदुओं का या मुख्य मुख्य विषय वस्तु का संग्रह करना, अर्थात मुख्य तथ्यों का संग्रह करना, स्कीमिंग। यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि स्कीमिंग है उसका स्कूल में क्या रोल है। स्कीमिंग मीन्स गैदरिंग टूगेदर सेलाइंट मैन फैक्ट्स कंटेंट इन द लेसन। मीन्स हमारे विषय वस्तु के रूप में जो हमारा पाठ है, कोई भी चैप्टर है, उसके अंतर्गत दी गई जो मुख्य तथ्य हैं, उनकी हम एक साथ कलेक्शन करें, एक साथ उनकी गैदरिंग करें। स्कीमिंग ऑफ ए प्रोज पैराग्राफ मीन्स टू रीड आउट द होल एंड डिस्कवर कलेक्ट द मेन पॉइंट्स कंटेंट इन द पैराग्राफ। मीन्स जब हम किसी भी प्रोज पैराग्राफ का मतलब है जो गद्य भाग का जो खंड है, यानी पैराग्राफ दिया हुआ है। पोइट्री और प्रोज, देर आर टू टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, यानी जो पद्य और गद्य भाग के जो खंड हैं या हमारे पैराग्राफ हैं, पैसेज हैं, तो हम पैसेज जो हमारा प्रोज पार्ट से रिलेटेड है, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो हम उसमें यह प्रयास करते हैं, उसमें यह तलाशने की प्रयास करते हैं कि उस पैराग्राफ में दिए गए मुख्य मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, यानी मुख्य विषय वस्तु है उसको उठाने का, पिकआउट करने का प्रयास करते हैं। द रीडर इज श्योरली कन्फर्म टू फाइंड आउट और टू कलेक्ट द बेस्ट कंटेंट इन द लेसन और इन द पैराग्राफ। मतलब एक अच्छे पाठक, अच्छे रीडर की यह पहचान होती है कि स्कीमिंग का रूल अप्लाई करते हुए वह पैराग्राफ या पैसेज के अंदर जो मैटर निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको उठाने का, पिकअप करने का प्रयास करता है। ए प्रैक्टिस ऑफ स्कीमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर द अपर क्लासेज, यानी हायर क्लासेज हैं उसके अंदर स्कीमिंग का जो अभ्यास है बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, अर्थात हायर क्लासेज के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मीन्स इन हायर क्लासेज द स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी, the finding or discovering ability always develops them। मतलब बालक जो हायर क्लासेज के होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो दिनों दिन या प्रतिदिन कक्षा दर कक्षा उनकी बढ़ती चली जाती है, और जिसके कारण से उनकी हायर क्लास में जो समझ क्षमता है, समझने की जो शक्ति है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, दैट ऑलवेज इंक्रीजेज एज पर दियर एज एंड मेंटल लेवल। तो हायर क्लासेज हैं उनके अंदर ये बहुत ही कारगर सिद्ध है स्कीमिंग, यानी बच्चे जो हैं उनकी समझ शक्ति है उस पर डिपेंड करता है कि वह दी गई जो विषय वस्तु उसमें से मुख्य जो तथ्य हैं उनका कलेक्शन, उनका जो गैदरिंग है वो कैसे कर सके। और इन सीनियर स्टूडेंट्स दिस में बी अप्लाइड, यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो हायर क्लासेज हैं उनमें भी ये लागू हो सकती है। इट आल्सो गिव्स डीप कॉन्फिडेंस टू द स्टूडेंट्स। स्कीमिंग ऑलवेज एनकरेज द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द कॉन्फिडेंस पॉजिटिविटी। मीन्स जब बालक बालिकाएं स्कीमिंग का प्रयोग करते हैं, दी गई अध्यापक द्वारा दी गई विषय वस्तु है उसमें मुख्य मुख्य तथ्यों का कलेक्शन करने के लिए जब कहा जाता है, तो उनके अंदर न केवल एक अंडरस्टैंडिंग पावर, न केवल उनके अंदर एक डिस्कवरिंग
या फाइंडिंग एबिलिटी डेवलप होती है, बल्कि जैसे जैसे उनको पॉजिटिवली ये चीजें मिल जाती हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस है वह भी डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और स्वतः ही विकसित होने लगता है। अर्थात बालकों को ये आभास होने लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। थ्रू स्कीमिंग द रीडर कलेक्ट्स द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द लेसन और द पैराग्राफ विच आर कंटेंड इन इट। यहाँ पर यह भी समझना होता है हमें कि एक लेखक के रूप में, एक रीडर के रूप में धीरे धीरे जो पैराग्राफ में दी गई वस्तु है उसको मुख्य बिंदुओं के रूप में, निश्चित बिंदुओं के रूप में हमें कलेक्ट करते रहना चाहिए। बाय स्कीमिंग द रीडर इंक्रीजेज हिज पावर ऑफ सर्चिंग गुडनेस बैडनेस ऑफ थिंग्स। व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द स्कीमिंग। इन दिस इट इज सैड इज इट इज कंसिडर्ड दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्कीमिंग नॉट ओनली दिस स्कीमिंग डेवलप्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्टूडेंट बट ऑल्सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। हाउ? इफ देर इज गिवन समथिंग नेगेटिव अबाउट द कंटेंट दैट द स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देर इज गिवन ऑल्सो इन फेवर ऑफ पॉजिटिविटी इन द कंटेंट पैराग्राफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉजिटिवली। यहाँ ये कहा गया है कि जब विषय वस्तु को बालक पढ़ रहा है और उसकी स्कीमिंग कर रहा है, मतलब उसमें हमें ये देखना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, मेन फैक्ट्स हैं, उनकी गैदरिंग कलेक्शन हमें करना है, तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार के जो बिंदु हैं उनको कलेक्ट करने का प्रयास करता है, अर्थात उनमें वेरिएशन करता है, वह उनमें विविधता या भिन्नता को भी ज्ञात कर लेता है कि ये चीज़ नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। मीन्स स्कीमिंग ऑलवेज एनकरेजेज द स्टूडेंट्स नॉट ओनली पॉजिटिविटी बट ऑल्सो नेगेटिविटी एज पर द पॉइंट्स गिवन इन द पैराग्राफ कंटेंट इन द पैराग्राफ। थैंक यू। टुडेज क्लास